दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर अभी पेटीएम के एप्लीकेशन यूज करते हैं और आपने अपने पेटीएम पर पेटीएम पोस्टपेड को एक्टिवेट किया हुआ है और उसमें आपको जो लिमिट मिली है उस लिमिट में आपको जो पैसा मिला है उस पैसे को अगर आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा कि आपको पैसा तो मिल जाता है लेकिन उससे आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे कैश में निकालना चाहते हैं या अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको वहां पर देखने को नहीं मिलता। लेकिन आज के वीडियो में आप लोगों को ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो उस पैसे को कैश में भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसको भी आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अपने पेटीएम पोस्टपेड के बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में किस तरह से ट्रांसफर किया जा सकता है तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपनी पेटीएम की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अब पेटीएम की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सबसे पहले तो मैं आपको अपना पोस्टपेड ओपन करके दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसको ओपन किया तो मेरे पेटीएम पोस्टपेड में आप देख सकते हैं 998.96 रुपए अभी अवेलेबल है। तो इसमें से मैं यहां पर आपको सेंड करके दिखाने वाला हूं। जैसे कि नीचे की साइड आप देख सकते हैं मैंने 1 रुपए सेंड करके पहले यहां पे देखा था, जब ये सक्सेस हो गया उसी के बाद मैं आपको यहां पे वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए इसको बैक कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको पेटीएम पोस्टपेड में जो लिमिट मिली है उससे अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं कैश में या फिर उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ही तरीका दोस्तों कि अगर आपके पास पेटीएम का क्यूआर कोड है तो आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, जो भी बैंक अकाउंट अपने वहां पे लिंक करके रखा हुआ है। और अगर आपके पास पेटीएम का ऑफलाइन क्यूआर कोड नहीं है तो आप अपने किसी फ्रेंड से या किसी भी शॉप में, आप मार्केट में जाएंगे आपको काफी सारी शॉप पे आपको पेटीएम का क्यूआर कोड देखने को मिल जाएगा। तो जिस शॉप पे भी आपको देखने को मिल जाता है उस शॉप के ओनर से आप बात कर लीजिए, आप उसको स्कैन करके इस पेमेंट को वहां पे सेंड कर सकते हैं जो कि आपको पेटीएम पोस्टपेड में मिला है। उसके बाद दुकानदार से आप वहां से कैश ले सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको जो ऊपर की साइड स्कैन एंड पे का ऑप्शन मिलता है आपको इस पे चले जाना है। इस पे जाने के बाद आपको शॉप पे जो भी पेटीएम का क्यूआर कोड रखा है उसको स्कैन कर लेना है। जैसे कि चलिए मैंने गैलरी में एक पेटीएम मेरे फ्रेंड का रखा हुआ है, मैं उसी को आपको स्कैन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलिए जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर ये क्यूआर कोड आप देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ से स्कैन कर लेता हूँ। जैसे आप इसको स्कैन करेंगे उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है कि आप कितना अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो जैसे कि चलिए मैं यहाँ से 1 रुपए डाल के आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे 1 रुपए डाल देता हूँ। 1 रुपए डालने के बाद नीचे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप पेटीएम बैलेंस से पेमेंट करना चाहते हैं या फिर बैंक अकाउंट से करना चाहते हैं किसी, या फिर आपने जो लिंक किया हुआ अपना बैंक अकाउंट उससे करना चाहते हैं या फिर आप पेटीएम पोस्टपेड से करना चाहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर की साइड ऑटोमेटिक मेरा पेटीएम पोस्टपेड सिलेक्ट हो चुका है। अगर आपका कोई और ऑप्शन यहां पे सिलेक्ट होता है तो आपको पेटीएम पोस्टपेड को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहां पे 1 रुपए पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये विनोद कुमार नाम का अकाउंट है, इसमें 1 रुपए यहां पे सेंड हो चुका है। इसी तरह से आप उस दुकानदार को जितने भी पैसे अपने पेटीएम पोस्टपेड से सेंड करेंगे वो उस दुकानदार के यानी कि शॉपकीपर के शॉप के ओनर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे और उससे आप चाहे तो कैश ले सकते हैं या फिर उससे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। और अगर आपके पास पेटीएम का क्यूआर कोड है तो आपने जो भी बैंक उससे लिंक किया हुआ उसमें भी आप स्कैन करके इस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही आसानी से आप पेटीएम पोस्टपेड के बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी कैश करा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।